हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल कुक विद हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुए और खीर के टेस्ट वाला ये रबड़ी केक, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। जितना ये केक प्यारा लग रहा है दिखने में, उतना ही हेल्दी है और टेस्टी इतना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे घर पे मैंने ये अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया था गुरु पूर्णिमा पर, सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर जरूर करनी चाहिए, तो इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और जानिए ये केक कैसे बनाया जाता है। और आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। रबड़ी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए 1 लीटर दूध मैंने एक कढ़ाई में गैस पे गर्म करने के लिए रखा है, इसे बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, अब दूध को अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस भी हो चुका है और थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अब इस दूध में से तकरीबन 1 गिलास दूध मैं केक के लिए अलग कर लूंगी। ये देखिए, 1 गिलास दूध मैंने केक के लिए अलग कर लिया है। और रबड़ी बनाने के लिए 3 से 4 रस लिए, इसे मैं ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड करूंगी। कुछ दिन पहले मैंने रस से बनी हुई मलाई मटका कुल्फी की रेसिपी भी डाली थी अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें मैं रस जो ग्राइंड की हुई है मैंने अभी थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी ताकि गुठलियाँ ना पड़े इस तरह से। वैसे तो रबड़ी बनाने के लिए घंटों लग जाते हैं, पर इस तरीके से रबड़ी बनाने से बहुत ही जल्दी काम हो जाता है हमारा और रबड़ी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं ताकि गाढ़ी रबड़ी तैयार हो। ये रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें हमने चीनी का यूज नहीं किया अभी। मैं बताती हूँ आपको अभी कि चीनी की जगह पे हम क्या डालने वाले हैं और कब डालने वाले हैं। ये दूध पक चुका है हमारा अच्छे से, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। आइए केक की तैयारी करते हैं। के लिए एक कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे, थोड़ी बड़ी कढ़ाई लें और उसमें मैं नमक डाल रही हूँ। ये सिंपल नमक है सब्जी बनाने वाला, लेकिन मैं इसे बहुत बार बेक करने के लिए यूज़ कर चुकी हूँ तो इसका कलर ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं। अब इसमें एक प्लेट रख रही हूँ मैं ताकि हमारा केक नीचे से जल ना जाए और इसे ठीक से आंच भी मिल सके। इस तरह से इसे बड़े ढक्कन से ढक दूंगी मैं। अब ये हमारा एक ओवन तैयार हो गया है, क्योंकि हम अपना केक गैस पे बनाने वाले हैं। ये देखिए, अब केक के लिए हमें सामान चाहिए कुछ। उसमें चाहिए हमें 1 गिलास दूध जो मैंने अभी निकाला था, ये हमारा गाढ़ा हुआ दूध है। 1 कटोरी गुड़, क्योंकि आज हम गुड़ से केक बनाने वाले हैं। अगर आपके बच्चे, आपकी फैमिली मेम्बर्स गुड़ पसंद करते हैं तो आप सारा 1 कटोरी गुड़ लें, और अगर नहीं करते तो आधा गुड़ ले लें और आधी चीनी ले लें। 1 कटोरी आटा, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है, इसकी जगह पे आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी चाहिए होगा हमें। दूध हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है तो इसमें मैं गुड़ मिक्स कर रही हूँ। उबलते हुए दूध में गैस पर कभी गुड़ नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही गुड़ मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, इसे विस्कर की हेल्प से मिक्स करती जा रही हूँ गर्म दूध के अंदर। और अब इसमें डालने वाली हूँ मैं देसी घी। चाहें तो आप मेल्ट करके डाल लें, लेकिन दूध हमारा गर्म है तो ये इसी में मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा टेस्टी सा मिश्रण बनके तैयार हो चुका है, गाढ़े दूध का, गुड़ का और घी का।
ये इस तरह से। इसे मैं थोड़ा सा गुनगुना होने दूंगी, थोड़ा और ठंडा होने दूंगी, तब केक बनाऊंगी। पहले मैं अपनी रबड़ी में, जो कि थोड़ी सी वो भी ठंडी हो चुकी है, उसमें भी गुड़ मिक्स कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे गरम गरम दूध के अंदर हम कभी गुड़ नहीं डालते, इससे दूध में फटने का डर रहता है। ये अच्छे से गुड़ मिक्स कर लूंगी मैं विस्कर की हेल्प से। ये देखिए हमारी रबड़ी का कलर कितना सुंदर आया है। ये रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे हम। और अब आइए केक की तरफ चलते हैं। ये दूध, गुड़ और घी का मिश्रण हमारा तैयार हो चुका था। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल रही हूँ और विस्कर की हेल्प से इसे मिक्स करती जा रही हूँ ताकि गुठलियां ना पड़े। मैंने सारा आटा डाल दिया इसमें, पूरा एक कटोरी, और इसे अच्छे से मिक्स करके गाढ़ा बैटर तैयार कर रही हूँ। आटे के केक का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखा जाता है। अभी दिखाती हूँ मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको। ये देखिए कितना गाढ़ा और स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है हमारा। इसे साइड में रख देंगे और टिन तैयार करेंगे हम अपना। इसके लिए 2 से 3 बूंद ऑयल डाल दिया मैंने और ब्रश से अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ इसे, ताकि हमारा केक अच्छी तरह से बाहर भी आ सके मोल्ड में से। अब एक बटर पेपर का टुकड़ा मैंने ऐसे राउंड काट लिया है और इसे भी लगा दूंगी। थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर दूंगी। एक टिन हमारा तैयार हो चुका है, इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब आटे के मिश्रण में मैं 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर का यूज कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी अपने बैटर में। ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं टिन में डाल रही हूँ। अब ये सीधा जा रहा है हमारी कढ़ाई में। काफी गर्म हो चुकी है हमारी कढ़ाई, तो मैं ध्यान से इसे डाल दूंगी और ऊपर से अच्छे से ढक्कन लगाकर बंद कर दूंगी, ताकि स्टीम बाहर ना आ सके और केक अच्छे से बन सके। अब 20 से 22 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ सेंटर में टूथपिक डालकर। ये देखिए केक हमारा अभी थोड़ा सा सेंटर में कच्चा है। इसे 5 मिनट के लिए और ढक दूंगी मैं, और ये देखिए 5 मिनट के बाद क्लीन निकली है हमारी ये पूरी स्टिक। केक हमारा तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी मैं, ताकि आराम से डीमोल्ड कर सकूं मैं इसे। अब चाकू की हेल्प से इसके किनारे छुड़ा लिए हैं मैंने। वाओ, ये देखिए हमारा घर पे पड़े हुए सामान से, सिर्फ आटे और गुड़ से बना हुआ केक कितना बढ़िया और लाजवाब बने। सॉफ्ट भी बहुत है ये केक। केक भी तैयार है और हमारी रबड़ी भी तैयार है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। ये देखिए मैं फोक से इसमें इस तरह से छोटे छोटे होल्स कर रही हूँ, ताकि ये रबड़ी को सोक कर ले अपने अंदर। अब मैं ये गाढ़ी और ठंडी रबड़ी को अपने केक के ऊपर कोर कर रही हूँ। थोड़ा सा रोज पेटल से
पिस्ता की कतरन से और काजू से इसे सजा रही हूँ। मेरे घर में तो ये 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो गया था। आपको भी ये केक बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कुक विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई इजी हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।